शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। परम पिता परमात्मा का स्मरण। हमारे प्रयोजनों को भली प्रकार सिद्ध करने में सहायक परमात्मा, प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमात्मा को बहुत से संबोधन महर्षि दयानंद ने आर्यभिविनय में दिए हैं। आर्य को, भक्त को परमात्मा का संबोधन कैसे करना चाहिए, किस किस तरह के शब्दों से परमात्मा को हम संबोधित कर सकते हैं, उसका विस्तृत प्रारूप प्रदर्शन इस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है। और प्रत्येक संबोधन विशेष ज्ञान को देने वाला होता है। प्रत्येक संबोधन परमात्मा के विशेष स्वरूप को बताने वाला होता है। उस संबोधन को करते हुए परमात्मा के उन उन गुणों को हम समझते हैं अपने पर और संस्कार डालते हैं, परमात्मा को उन गुणों से युक्त देखते हैं। उन संबोधनों के क्रम में अगला संबोधन है, हे अर्थ सुसाधक। परमात्मा को संबोधित किया, हे परमात्मा आप अर्थ सुसाधक हैं। उसको समझने के लिए पहले अर्थ ये शब्द है, फिर आगे सुसाधक कहा, उसको भी और स्पष्टता से देखना चाहें तो सु और साधक। अर्थ का तात्पर्य हम सामान्य रूप से धन से लेते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र, धन, वित्त, रुपया, पैसा, मुद्रा और इससे जुड़ी चीजें, सोने, चांदी, अन्य संपत्तियां, भवन इत्यादि, ये भी अर्थ हैं।
क्योंकि इसकी हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अर्थ को चाहता है, धन को चाहता है, और वो उन्हें इसलिए चाहता है क्योंकि उनसे वो अपने जीवन के लिए उपयोगी साधनों को खरीद सकता है, उपलब्ध कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अपने परिवार की और मेष्ट मित्रों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। जिसकी हम इच्छा करते हैं वो अर्थ कहलाता है। तो यहां परमात्मा अर्थ का सुसाधक है, अच्छी प्रकार से सिद्ध करने वाला है। और अधिकांश ईश्वर भक्त ये मानते हैं कि हमारे पास में जो धन है, रुपया पैसा है, संपत्ति है, वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने दिया है। और जिनके पास धन की न्यूनता होती है वो परमात्मा से धन की प्रार्थना भी करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं। परमात्मा को कोई किसी भी रूप में मानता हो, वे सब परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं उसमें धन की प्रार्थना सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक बार की जाती है, क्योंकि वो धन के अंतर्गत ही सब सुविधाओं की प्राप्ति देख रहा होता है। तो महर्षि ने यहां लिखा, हे अर्थ सुसाधक, परमात्मा अर्थ को अच्छी तरह से सिद्ध करने वाला है, साधक है। तो क्या परमात्मा को हम इसी तरह पुकारते रहें, हमारे को धन प्रदान करें, ये रुपया पैसा, और क्या परमात्मा ऐसे सीधे सीधे हमें धन प्रदान करता है? हम केवल प्रार्थना करते रहें और परमात्मा हमें धन दे दे, अथवा हम कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और साथ में ईश्वर से प्रार्थना की मेरे को बहुत धन प्राप्त हो जाए, क्या परमात्मा इन सब धनों को, रुपए पैसे को देता है? ये प्रश्न उठता रहता है। यहां महर्षि दयानंद ने जो अर्थ शब्द का प्रयोग किया, इसको व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, ये केवल रुपया पैसा नहीं, अन्य जितने साधन हैं, प्रकृति प्रदत्त जो साधन हैं, प्रकृति में जो साधन हमें मिल रहे हैं, वे भी अर्थ हैं, क्योंकि उनसे भी हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। यहां हमें उन अर्थों को लेना है, उन साधनों को लेना है जिनका परमात्मा साधक है, हमें प्रदान करता है। अर्थ सुसाधक का तात्पर्य है, यदि मात्र ये रुपया पैसा ले लिया जाए तो परमात्मा इन्हें सीधे सीधे हमें नहीं देता है, ये हम पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा की दी हुई शक्ति सामर्थ्य से पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा की दी हुई इंद्रियों से पुरुषार्थ करते हैं, और परमात्मा की दी हुई इस प्रकृति में प्रयत्न करते हैं, तो प्रकृति से हमें अन्न आदि की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा हमें अर्थ देता है, किस रूप में? अन्न वनस्पति के रूप में, जल के रूप में, दूध के रूप में, अन्य बहुत से पशु पक्षियों के रूप में। जिसको हम अर्थ कहते हैं, वित्त मनी, वो तो गौण रूप से अर्थ है,
क्योंकि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है और इसलिए हम उसकी इच्छा भी बहुत करते हैं, सारी दुनिया उसके लिए पागल हुई भी है। यदि रुपए का धन का कोई मूल्य ना हो, उससे कुछ खरीदा ना जा सके, तो उसको कोई नहीं चाहेगा। इससे पता लगता है कि ये रुपया पैसा वास्तव में अर्थ नहीं है, ये अर्थ का साधन है। जो चीजें हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति का ये साधन है। तो परमात्मा उस अर्थ को हमें दिलाता है, उसका साधक है जो वास्तव में अर्थ है, और उसका वो सुसाधक है, बहुत आसानी से, सरलता से, बहुत अच्छी तरह से हमें देता है। सामान्य रूप से कोई बेरोजगार व्यक्ति हो, उसको बहुत कष्ट होता है, कैसे धन कमाऊं, कहां कमाऊं, कहां नौकरी लगेगी, क्या काम करूंगा, उसे बहुत कठिन लगता है। तो सुसाधक कहां हुआ परमात्मा? लेकिन जो मेहनत करता है, किसान मेहनत करता है, माली मेहनत करता है, बाग बगीचे लगाता है, इन सब से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, भूमि में से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, समुद्र से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, विभिन्न रत्न प्राप्त होते हैं, विभिन्न धातुएं भूमि में से प्राप्त होती हैं, इन सब के लिए हम जितना प्रयत्न करते हैं वो हमें बहुत अधिक भी लगता है, कठिन भी प्रतीत होता है, लेकिन वो सारा प्रयत्न बहुत थोड़ा है। उस थोड़े से प्रयत्न से हम इतना सारा प्राप्त कर लेते हैं। एक किसान थोड़ी मेहनत करता है, वैसे काफी मेहनत होती है, लेकिन उस मेहनत से, श्रम से जितनी प्राप्ति होती है उसकी तुलना में वो श्रम कम है। जीवात्मा और मनुष्य थोड़ा प्रयत्न करता है और उसे बहुत मिल जाता है। कोई व्यक्ति जंगल में जाए, वहां से फल फूल तोड़े, लकड़ियों की प्राप्ति करे, बहुत मेहनत लगती है, धूप में जा रहा है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन उसे वो चीजें बनी बनाई मिलती हैं वहां पर, बहुत आसानी से ले लेता है, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। हमें वायु एक हमारा अर्थ है, वो बहुत आसानी से प्राप्त है, जल बहुत आसानी से प्राप्त है। शहरों में और गांवों में जितना भी जल का संकट हो, वो हमारी अव्यवस्था है, लेकिन जल हमें बहुत आसानी से प्राप्त है। ऊर्जा, प्रकाश हमें बहुत आसानी से प्राप्त है। पेड़ पौधे बहुत आसानी से उग रहे हैं, कितने तो अपने आप ही उगते रहते हैं। ये शरीर हमें बहुत आसानी से प्राप्त हुआ है। ये जो रचना बना करके ईश्वर ने दे दिए, इसके लिए, इस शरीर की प्राप्ति के लिए हमारा क्या प्रयत्न है? कहें कि हमने ऐसे कर्म किए हैं उसके अनुसार परमात्मा ने ये दिया है, तो प्रयत्न किए हमने, पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसका फल है ये, और उसमें बहुत प्रयत्न हुआ है हमारा, लेकिन वो कर्म के लिए प्रयत्न किया, लेकिन उस कर्म के फल के रूप में जो शरीर मिला, इसके लिए हमारा क्या प्रयत्न है? ये तो परमात्मा की कृपा है, कर्मानुसार कृपा है, और जितना अच्छा शरीर परमात्मा ने हमें दिया है वो हमारे प्रयोजनों को पूर्ण करने में बहुत सहायक है, बहुत सरलता है। हम परमात्मा की सहायता को हटा करके देखें कि हम तब अपने प्रयोजनों को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अर्थ का मतलब प्रयोजन, जो हम चाहते हैं। हम सुख को चाहते हैं, हम दुख से हटना चाहते हैं, उसके लिए हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा को हटा दें, परमात्मा की सहायता को हटा दें, फिर देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं।
जिस प्रयोजन को हमें प्राप्त करना है उसके लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्थाएं करके दे दी, बहुत अच्छी तरीके से करके दी। ये शरीर ही अपने आप में इतना अद्भुत है, इतनी सुव्यवस्थाएं हैं। हमें कुछ पाना है तो कर्म करना होगा, उसके लिए साधन दे दिए। कर्म करने से पूर्व हमें कुछ जानना होगा, देखना होगा, तब हम ठीक जगह पर कर्म कर सकेंगे। उस जानने के लिए उसने सारे साधन दे दिए, न केवल एक तरीके से जानने के साधन, पांच पांच तरीके से जानने के साधन दिए। हम वस्तु को देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, चख भी सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, इतने जानने के साधन दे दिए। और वो जानना भी हमारे लिए बड़ा सहज है, आंख खोली और हमें दिखने लगता है, वस्तु के पास गए और हमें स्पर्श पता लग जाता है, हाथ को आगे बढ़ाया, गंध का ज्ञान बहुत आसानी से होता है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो हमें जिस प्रयोजन की पूर्ति करनी है, जो हमारा अर्थ है, लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति, परमात्मा उसका सुसाधक है, बहुत अच्छी तरह सिद्ध करने वाला है, उसने सिद्ध किया है। जब आध्यात्मिक व्यक्ति इस मार्ग पर चलने लगता है, लक्ष्य उसने बना लिया, ईश्वर का आनंद पाना है, शुद्ध सुख को पाना है, मुक्ति को पाना है, अब उसके लिए वो प्रयत्नशील है और उस प्रयत्न में उसे जगह जगह बाधाएं दिखाई देती हैं। ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना है, विचारों को रोकना है, अब विचार रुकते ही नहीं, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी संसार की ये कामना, कभी वो कामना, कभी राग और कभी द्वेष। ये परमात्मा ने कैसा मन बना करके दे दिया जो कि एकाग्र ही नहीं होता। मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, शरीर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा ने कैसा शरीर बना दिया कि हम अधिक देर बैठ ही नहीं पाते। परमात्मा ने कैसा शरीर बना दिया कि हमें रात को नींद ही नहीं आ रही है। परमात्मा ने कैसा शरीर बना दिया कि हमारे में दुर्बलता है। परमात्मा ने कैसी बुद्धि दे दी कि हमें यह समझ में ही नहीं आ रहा है, इत्यादि बातें साधकों के मन में आती रहती है। ये परमात्मा का दोष नहीं है, ये हमारे उपयोग का दोष है। परमात्मा तो सुसाधक ही है, हमारे प्रयोजन का सुसाधक है। इस चंचल मन को ही हम इतनी गालियां देते रहते हैं, ये चंचल मन नहीं होता तो मैं एकाग्र हो जाता, स्मृतियां नहीं होती तो मैं पिछली बातों को याद नहीं करता, झगड़ों को, औरों को, आकर्षणों को, तो परमात्मा का एकाग्र होकर ध्यान कर लेता। सारा दोष मन के ऊपर, मन की चंचलता पे हम डाल देते हैं।